Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all had a great and safe Navratri. Now it's time to get ready for Diwali and wedding season. So today I am gonna share this nude glam makeup tutorial. If you want to know how I got this look, then please keep on watching. So firstly मैंने यहाँ face wash कर लिया है अपने Biotic Fairness face wash से. बायोटिक बायो क्यूकम्बर पोर टाइटनिंग टोनर, ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है और इसे मैं अपने ऑल ओवर स्किन नेक सब एरिया में अप्लाई कर लूँगी. नाउ मैं अप्लाई कर रही हूँ गुड वाइब्स के सीरम. ये आपकी फेस के ऑयल को कंट्रोल करता है प्लस एक स्किन में ग्लो भी प्रोवाइड करता है. अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ नेचर्स की एलोवेरा जेल. ये मेरे स्किन को पूरी तरह से मॉइस्चराइज रखता है एज आई हैव ऑयली स्किन. नाउ आई एम अप्लाइंग लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर. ये आपके फेस में जहाँ जहाँ भी लार्ज पोर्स है उसको कम्प्लीटली ब्लर कर देता है और आपका मेकअप बेस इससे बहुत ही फिनिश्ड एंड स्मूथ दिखाई देगा. मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी. अब मैं स्विस ब्यूटी की लिक्विड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. इसमें मेरा शेड नंबर 05 है. इसे मैं अपनी आईलिड पे, अपने हाई पॉइंट्स पे और जहाँ जहाँ मुझे डार्क पैचेस है वहाँ अप्लाई कर लूँगी. फिर मैं इसे अपने ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा वेट करके डैब डैब करते हुए स्लोली ऑल ओवर फेस में अप्लाई कर लूँगी. यहाँ पर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा वेट कर लिया है लेवेंडर एंड मिंट फेस मिस्ट से. आप इसकी जगह रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं या नॉर्मल वाटर भी यूज कर सकते हैं. अब मैं वाइट टोन फेस पाउडर से अपने पूरे फाउंडेशन को सेट लूंगी. और थोड़ा बहुत इसे अपने नेक एरिया पे भी अप्लाई कर लूंगी. Now for the eye makeup, I am using this Wet n Wild Rose in the Air eyeshadow palette. और इसमें मैं ये न्यूट्रल शेड को लेते हुए अपनी क्रीज लाइन पे सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर लूँगी. मैं शेडो बहुत ही पिगमेंटेड है. अब मैं इसमें ये लाइट ब्राउन ऑरेंज टिंट शेड को अप्लाई कर लूँगी अपनी लिड पे और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. मेक श्योर आप अपने ब्रश से ज़्यादा प्रेशर ना दें क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट आई मेकअप है. सो ज़्यादा हार्श लाइंस नहीं आने चाहिए. अब मैं लैरी रोडा पैलेट से ये ऑरेंज शिमरी शेड को अपने लिड्स पे अप्लाई कर लूँगी. मैं अपने सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा. नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग अगेन दैट लाइट ब्राउन शेड और इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मेरे ऑरेंज शिमरी शेड के साथ सो दैट कोई हार्श लाइंस ना दिखे. बहुत ही सॉफ्टली अप्लाई करना है. अब मैं एक पतली ब्रश से उसी सेम लाइट ब्राउन शेड को अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लूँगी. सो दैट आईज थोड़ी डिफाइनिंग दिखे एंड एक हल्का सा विंग क्रिएट कर दूंगी. नाउ आई एम अप्लाइंग मेबेलिन ब्लैक जेल लाइनर. इससे मैं एक पतली सी विंग बनाऊंगी और इसे धीरे धीरे ग्लाइड करते हुए अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर लूंगी. मैं यहाँ बहुत ही सिंपल सॉफ्ट आई मेकअप कर रही हूँ सो मुझे यहाँ ज़्यादा बोल्ड लाइनर अप्लाई नहीं करना है. सो मैं एक सिंपल सी लाइनर लगा रही हूँ. इट्स अप टू यू, आप जैसे अपने लाइनर को अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं. अब मैं उसी ब्रश से जो उसमें काजल रह गया है उसी को अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लूँगी थोड़ा स्मज करते हुए सो दैट मेरी आईज थोड़ी डिफाइंड दिखे. अब मैं जो मैंने पहले थिन ब्रश यूज़ की थी लाइट ब्राउन शेड को उसी को ही अगेन लेते हुए स्मज कर लूँगी अपने आईज पे
अब मैं उसी पैलेट में से अपने इधर कॉर्नर्स में इस शैम्पेन शेड को अप्लाई कर लूँगी सो दैट मेरी आईज थोड़ी ओपन अप लगे। नाउ फॉर द आईब्रोज, मैं सबसे पहले अपनी आईब्रोज को ब्रश अप कर लूँगी और इसके बाद मेरी डार्क ब्राउन शेड आईब्रो पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसे मैं बहुत लाइटली अप्लाई करूँगी। मैं इसे अच्छी तरह अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी। नाउ आईब्रो पेंसिल के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी एक ब्रश ताकि जितने भी हार्श लाइंस है वो अच्छी तरह स्मज हो जाए और पूरी तरह से फिलअप दिखे। अब मैं अपनी आईब्रो लाइन को ज्यादा डिफाइन करने के लिए इस आई शेडो पैलेट की शैम्पेन शेड को अप्लाई कर लूंगी सो दैट मेरा हाई पॉइंट में कोई भी अगर फॉल्स लाइट पड़े तो वो हाइलाइटेड दिखे। एंड नाउ थोड़ा सा डैब डैब करते हुए ब्यूटी ब्लेंडर से मैं थोड़े अपने एक्स्ट्रा आई शेडो को निकाल दूंगी ताकि वो थोड़ा नेचुरल दिखे और जितना भी फॉल आउट हुआ है उसे क्लीन कर लूंगी। सो हियर इज माय आई मेकअप डन। अब मैं अप्लाई करूंगी मेरी मेबिलिन की हाइपर कर्ल मस्कारा। इसे मैं अच्छी तरह अपने अपर एंड लोअर लैशेस पे अप्लाई कर लूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट आई मेकअप करने जा रही हूँ तो यहाँ पे कोई भी फॉल्स लैशेस यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। यह आपके आई लैशेस को बहुत ही इलॉन्गेटेड कर देता है। नाउ मैं अपने फेस पे अप्लाई करने जा रही हूँ वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड है डेजर्ट बीच। अब मैं अगेन अपने ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा वेट करते हुए डैब डैब मोशन में अपने फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई कर लूंगी। आपको ये बहुत ही पेशेंटली करना है क्योंकि आपका अगर मेकअप बेस सही रहेगा तभी आपका मेकअप फ्लॉलेस दिखेगा। सो मैं डैब डैब करते हुए अपने ऑल ओवर फेस में अप्लाई कर लूंगी। मैं अपने ईयर्स नेक सब जगह अप्लाई करूंगी। ये एक मैट फाउंडेशन है सो मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके ही अपने फेस नेक ईयर्स पे अप्लाई करती हूँ। अब मैं यहाँ नेक पे अप्लाई करते हुए इसे भी टैप टैप करके अच्छे से मिक्स कर लूंगी। नाउ मैं अगेन अपने लूज पाउडर से सेट कर सो नाउ मैं अपने इस आई शेडो पैलेट की न्यूट्रल शेड से अपने नोज को कॉन्टोर करूंगी। As you can see, मेरी नोज इतनी शार्प नहीं है सो मैं यहाँ पे एजेस ड्रॉ करूँगी और उसे अच्छे से ब्लेंड करते हुए एक इल्यूजन क्रिएट करूँगी कि मेरी नोज शार्प है। और यहाँ पे मैं शैम्पेन शेड को अपनी ब्रिज ऑफ द नोज में अप्लाई करूँगी सो दैट मेरी नोज शार्प दिखे, हाइलाइटेड दिखे। और अपने टिप पे भी अप्लाई करूँगी, नोज टिप पे, ताकि वो पॉइंटेड लगे। अब मैं यहाँ पर अगेन उस पैलेट से लाइट ब्राउन शेड को अपनी फेस कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ करूँगी। मैं यहाँ बहुत ही जरा लाइट अमाउंट अप्लाई कर रही हूँ। आई डोंट नो ये कैमरे में दिख रहा है कि नहीं बट इन रियल लाइफ इतना अमाउंट बिल्कुल सही है। मेरा यही पर्पस है इस वीडियो का कि मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता सकूँ, नॉट फॉर दी वीडियो कि वीडियो में पिगमेंटेशन के लिए मैं अपने मेकअप को भर भर के लगाऊं। सो इसलिए ये मेकअप ट्यूटोरियल मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। तो अभी फेस कॉन्टोरिंग के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ SFR की
पीची एंड ऑरेंज ब्लश को इसे मैं स्माइल करते हुए अपने एप्पल ऑफ द चीक्स में अप्लाई कर लूंगी और इसमें मेरा शेड नंबर है 02। मैं सभी अपने प्रोडक्ट्स के लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप प्लीज़ वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिएगा, प्लस लाइक कर दीजिएगा और इस तरह से सपोर्ट करते रहिएगा जैसे आप करते आए हैं। एंड नाउ आई एम अप्लाइंग दिस स्विस ब्यूटी पर्ल इल्यूमिनेटर, इसमें मेरा शेड नंबर है 01 गोल्डन पिंक। इसे मैं अपने हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर लूंगी। एज यू कैन सी, वाओ लुक एट दिस शाइन गाइस, ये बहुत ही अमेजिंग हाइलाइटर है। इसे आप अपने फाउंडेशन के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं, बट मुझे ऑल ओवर फेस में इतना शिमरी फेस पसंद नहीं, सो मैं इसे लास्ट में ही अप्लाई करती हूँ मेकअप कंप्लीट होने के बाद। सो मैंने थोड़ा फोरहेड के बाद इसे अपने ब्रिज ऑफ द नोज में भी अप्लाई कर लिया है। मैं इसे अपने फेस के सारे हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर लूँगी। अब मैं एक ब्रश की हेल्प से अपनी आई शेडो पैलेट के इस शिमरी शेड को, शैम्पेन शेड को अप्लाई कर लूँगी अगेन मेरे उसी इल्यूमिनेटर के ऊपर, सो दैट वो और हाईलाइटेड लगे, बिकॉज ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन है, दिवाली है, स्मॉल फैमिली पार्टीज हो, सेलिब्रेशंस हो, तो ऐसा लुक बहुत ही अमेजिंग लगता है। अब मैं अपने क्यूपिड बोज में अप्लाई करूँगी, नेक्स्ट चिन में, और अपनी आईब्रोज को अगेन डिफाइन करने के लिए मैं उस पर और अपनी शैम्पेन शेड को अप्लाई कर लूँगी और अपने नेक पे भी अप्लाई कर लूँगी ताकि लाइट पड़ने पे वो भी शाइन करे, बहुत अमेजिंग लगेगा। नेक्स्ट मैं इस लुक को फिनिश करूँगी अपने लोटस क्रिम्सन रेड लिपस्टिक शेड नंबर 610। ये बहुत ही ग्लॉसी लिपस्टिक है, सो मैं एक मैट लुक के लिए अपनी लैक्मी फॉरएवर मैट लिक्विड लिप कलर यूज़ कर रही हूँ। उसमें मेरा शेड नंबर है 17। मैं टैप टैप करते हुए अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और इस लुक को ख़त्म करूँगी इस ब्लैक बिंदी के साथ। सो हेयर इज द न्यूड ग्लैम मेकअप लुक फॉर दिवाली दैट यू कैन ऑल्सो वेयर इन स्मॉल फैमिली फंक्शंस। एज यू कैन सी मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। सो वो दिस इज माई कम्प्लीट लुक। यहाँ पे मैंने हमारी SMS कल्चर की मेखिला चादर वेयर की है और इसे पैरअप किया है मेरी सिल्वर ज्वेलरीज के साथ। एज यू कैन सी मेरी ड्रेस में रेड कलर बहुत ही ब्राइट लग रहा है, सो मैंने उसी को मैच करते हुए रेड लिपस्टिक वेयर की है और नॉर्मल हेयर स्टाइलिंग करते हुए दो आर्टिफिशियल फ्लावर्स ऐड किए हैं। ये लुक बहुत ही ग्लोई एंड हेल्दी, जिन्हें ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है वो ज़रूर इस मेकअप को ट्राई कर सकते हैं। एंड गर्ल्स, अगर आप इसे ट्राई करती हैं तो प्लीज़ मुझे टैग करना ना भूले। एंड लास्टली मैं बहुत बड़ा दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे सभी सपोर्टर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को जो मुझे कमेंट करते हैं, मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी। सो कीप सपोर्टिंग। एंड अब से मैंने सोचा है कि मैं अपने हर वीडियोस में शॉर्ट आउट करने वाली हूँ, जो भी बेस्ट कमेंट होगा मैं उस कमेंट को अपनी हर वीडियो में शो करूँगी। एंड सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो भी फेस्टिवल लुक के लिए है, सो स्टे ट्यून्ड।